hello students welcome to the session i hope you all are doing good our topic for today is locating position in today's session we will understand about the position of different things to tell the position of different things we use different words such as on in under behind etc all these words has their own meanings and has their own usage

ऊपर की जो पोजीशन होती है उसको कहा जाता है ऑन द क्लॉक इज ऑन द टेबल द क्लॉक इज ऑन द टेबल हेयर यू कैन सी द टेबल देयर यू कैन सी द क्लॉक सो वी विल से द क्लॉक इज ऑन द टेबल टेबल के ऊपर है ऊपर की पोजीशन को कहते हैं ऑन ऊपर इज कॉल्ड एज ऑन लटस मूव फॉरवर्ड एंड सी हेयर यू कैन सी द कैट

अंडर द टेबल कोई भी चीज अगर किसी चीज के नीचे है तो हम उसको बोलते हैं अंडर क्या बोलते हैं अंडर अब हमें टू चीजें पता चल गई अगर ऊपर है तो होता है ऑन अगर नीचे है तो मतलब है अंडर ऑन ऊपर अंडर नीचे द कैट इज अंडर द टेबल द कैट इज अंडर द टेबल लेट एस मूव अड एंड हेयर स्टूडेंट यू कैन सी अट एंड द लाइन इज द फिनिशिंग पॉइंट ये लाइन रेस की फिनिशिंग पॉइंट है और टोटॉइज अब इस लाइन के पास पहुँच चुका है तो पास के लिए वर्ड होता है नियर पास के लिए वर्ड होता है नियर द टोटॉइज इज नियर द फिनिशिंग पॉइंट द टोटॉइज इज नियर द फिनिशिंग पॉइंट अगर कोई भी चीज़ मेरे आस पास ही है तो मैं वर्ड यूज करूंगी नियर जैसे कि यह टोटॉइज इस फिनिशिंग पॉइंट की नियर है and understand other location word which is here you can see the dog and you can see the man man आगे है dog पीछे है जो पीछे की position होती है कोई भी चीज जब हमारे पीछे होती है जैसे ये डॉग इस मैन के पीछे है तो हम क्या बोलते हैं बिहाइंड क्या बोलते हैं बिहाइंड द डॉग इज बिहाइंड द मैन

द गर्ल इज स्टैंडिंग मिरर हेयर यू कैन सी द मिर द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मियर मिररर के सामने खड़ी आप देख सकते हो ये जो गर्ल खड़ी है ये मिरर के सामने खड़ी है तो सामने के लिए हम बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ क्या बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ आप ऑफ भी यूज कर सकते हैं इन फ्रंट भी अगर मैं किसी चीज के भी सामने खड़ी हूं जैसे कि राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग आपके सामने मैं आपके सामने खड़ी हुई थी मैं बोलूंगी इन फ्रंट ऑफ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट इज कॉल्ड एज इन फ्रंट ऑफ के सामने द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर द गर्ल इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड द लास्ट वी हैव इज हियर यू कैन सी द वास एंड हियर यू कैन सी द फ्लावर्स पॉट है और फ्लावर्स है जो फ्लावर है वो पॉट के अंदर है फ्लावर्स पॉट के अंदर है तो अंदर के लिए हम यूज करते हैं इन अंदर के लिए हम क्या यूज करते हैं इन द फ्लावर्स आर इन द पॉट द फ्लावर्स आर इन द पॉट अंदर के लिए हम इन का यूज करते हैं अस रिवाइज ऑल ऑफ द पोजिशन वंस अगेन स्टूडेंट्स सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड ऑन का मतलब होता है ऊपर बिहाइंड का मतलब होता है पीछे हेयर द क्लॉक इज ऑन द टेबल ऊपर है the cat is under the table here the tortoise is near the finishing point finishing point ke paas hai the dog is behind the man man ke the girl is standing in front of the mirror mirror ke samne and here the flowers are in the pot pot ke andar that's all students for today's session of position आई होप यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंट वर्ड्स वी यूज फॉर डिफरेंट पोजिशंस अगर हमें पीछे का बताना है देन वी यूज़ बिहाइंड के सामने अगर फ्रंट में है तो इन फ्रंट अगर ऊपर तो ऑन अंदर तो इन अगर पास है तो नियर देट्स ऑल फर्टिलेज सेशन